इस वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो यहाँ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का क्या मतलब रहता है, यहाँ पर आप देखेंगे नाम से ही पता चलता है, डार्क फील्ड यानी अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी सेल को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल का जो बैकग्राउंड होता है वो हमें डार्क दिखता है। डार्क फील्ड यानी जो बैकग्राउंड है वो डार्क रहता है और जो हमें इमेज होती है वो ब्राइट दिखती है। जैसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में ब्राइट बैकग्राउंड रहता है और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में डार्क बैकग्राउंड रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि जब डार्क बैकग्राउंड होता है तो हमें सेल्स को स्टेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई सेल ट्रांसपेरेंट है या फिर ब्राइट कलर की कोई सेल है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम डार्क बैकग्राउंड पर बहुत क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम लाइव सेल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं बिना किसी स्टेनिंग के, बल्कि ब्राइट फील्ड में हमें क्योंकि ब्राइट बैकग्राउंड था और अगर कोई ट्रांसपेरेंट सेल है तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हमें या तो उसे हमें स्टेन करना पड़ता है या फिर वो कलर नेचुरली पिगमेंटेड हो। बल्कि डार्क फील्ड में ऐसा नहीं है, डार्क फील्ड में अगर कलर कोई ट्रांसपेरेंट कलर की सेल है या माइक्रोब है तो उसको हम डार्क बैकग्राउंड पर बहुत क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी काम करती है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का रे डायग्राम भी ऑलमोस्ट सेम वैसे ही होता है जैसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का होता है। यहाँ पर माइक्रोस्कोप में जो बेस साइड होती है माइक्रोस्कोप की, वहाँ पर लाइट सोर्स रहता है। लाइट सोर्स से लाइट प्रोड्यूस होती है, वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच रहती है। यहाँ पर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में लाइट सोर्स से जो भी लाइट प्रोड्यूस होती है वो सभी पूरी की पूरी लाइट कंडेंसर लेंस पर फॉल होती है। लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, यहाँ लाइट सोर्स से जितनी भी लाइट प्रोड्यूस हुई वो पूरी कंडेंसर लेंस पर फॉल नहीं होती है, बल्कि इनके बीच में कंडेंसर लेंस और लाइट सोर्स के बीच में एक पैच स्टॉप रहता है। आप यहाँ पर इसको एनुलर रिंग भी बोल सकते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस पैच स्टॉप की वजह से जो लाइट का सेंटर पार्ट होता है वो रोक दिया जाता है, सिर्फ साइड से लाइट रेज कंडेंसर लेंस पर पहुँचती हैं। और जब ये कंडेंसर लेंस पर जो साइड्स पे रेज थी लाइट की वो कंडेंसर लेंस पर पहुँचती है, कंडेंसर लेंस से ये रेज सैंपल पर फॉल होती हैं। सैंपल पर, सिर्फ सैंपल पर जो रेज फॉल होंगी, सैंपल उस लाइट को स्कैटर कर देगा और वो स्कैटर्ड लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस तक पहुँचेगी। अदरवाइज अगर कोई रेस सैंपल पर फॉल नहीं हुई तो वो लाइट जो कि तू जैसे आई वैसे के वैसे ही ट्रांसमिट हो जाएगी क्योंकि वो किसी चीज़ से नहीं टकराई है। और अगर वो सैंपल से टच हुई है, सैंपल से लाइट सैंपल पर टच हुई है तो वो सैंपल उसको स्कैटर कर देगा और सैंपल से वो लाइट स्कैटर्ड होने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस पर पहुँचेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस उसको फर्दर मैग्नीफाई करेगा एंड देन आई पीस के पास वो लाइट रेस पहुँचते हैं और आई पीस उसको देन अगेन मैग्नीफाई करके हमें इमेज विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। और जो लाइट सैंपल पर फॉल नहीं हुई वो लाइट डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। आप यहाँ मान सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को इजी समझने के लिए, आप ऐसे मान सकते हैं अगर आप किसी डार्क रूम में हैं और सिर्फ लाइट आपके ऊपर डाली जाएगी तो ब्लैक बैकग्राउंड होगा, डार्क रूम होगा, लेकिन लाइट क्योंकि सिर्फ आपके ऊपर फॉल हुई है तो आप वहाँ उस रूम में विजिबल होंगे। तो ये मैं यहाँ पर एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए ली हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। अब यहाँ हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। साथ ही एडवांटेजेस होते हैं कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि तो सिंपल है, हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं और हम अनस्टेन्ड या ट्रांसपेरेंट अगर हमारे स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट है उसको हमें स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिना स्टेनिंग के भी हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और मोस्टली डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे ग्रेन की आउटलाइन बाउंड्री अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, किसी प्लांट सेल की बाउंड्री स्टडी करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करने के लिए मोस्टली डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी को ज़्यादातर फेस कंट्रास्ट या DIC के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जाता है ताकि हमें और अच्छा, ज़्यादा एक्यूरेट और
अच्छी इमेज मिले और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिले। और डिसएडवांटेज में जो मेन डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो ये है कि क्योंकि ब्राइट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में अगर डस्ट पार्टिकल हमारे स्लाइड पर आ जाता है तो वो डस्ट भी हमें अपने माइक्रोस्कोप में दिखेगी, उस इमेज में वो डस्ट पार्टिकल्स भी दिखते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत क्लीन रखना होता है। और अगर हम ऑयल भी यूज़ करते हैं तो ऑयल से भी बबल्स फॉर्म हो सकते हैं, तो ये सब हिंड्रेंस कॉज करते हैं जो हमारी फाइनल इमेज फॉर्म हो के आती है उसमें हिंड्रेंस कॉज करते हैं। तो यहाँ पर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हमें ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं कि हम बहुत क्लियरली इमर्शन ऑयल यूज़ करें ताकि बबल्स फॉर्म ना हो, डस्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हम डार्क रूम में डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज़ करें ताकि जो एक्सटर्नल जो लाइट रेज हैं उनकी वजह से हमारी इमेज हमें क्लियर मिले, उन एक्सटर्नल लाइट की वजह से हमारी इमेज में कोई हिंड्रेंस कॉज ना हो। तो यहाँ पर ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। आई होप इस वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।